पहला न्यूमेरिकल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ फील्ड एट अ प्लेस आर 0.22 गॉस एंड 0.38 गॉस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल ऑफ डिप निकालना है, नेट बी निकालना है। एंगल ऑफ डिप क्या होगा, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप टैन इनवर्स में छोड़ दें ये निकाल नहीं पाएंगे, और नेट बी की वैल्यू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर गॉस में निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है डेक्लिनेशन का क्वेश्चन है। डेक्लिनेशन कैसे रीड करते हैं? डेक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जब ये स्टेटमेंट आएगी ना वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप उल्टा पढ़ेंगे, वेस्ट नॉर्थ नहीं पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट पढ़ेंगे। कैसे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब आप नॉर्थ से स्टार्ट करें। नॉर्थ की लाइन कहां पर है? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है, ज्योग्राफिक वेस्ट है, ज्योग्राफिक ईस्ट है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से स्टार्ट करें और कहां जाएं? वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जाएं। वेस्ट कहां पर है? ये रहा। और कितना वेस्ट जाएं? 15 डिग्री। तो ये कितना है? 15 डिग्री। तो ये है क्या चीज? वो कह रहा है कि एक डेक्लिनेशन उस जगह पर है। अब डेक्लिनेशन का मतलब क्या है? डेक्लिनेशन है दो मीडियंस के बीच में एंगल, एक ज्योग्राफिक और एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीडियन क्या होगा? जहां नीडल रुकेगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वहां से एक मीडियन जो जाएगा वो मैग्नेटिक मीडियन है। और ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, ज्योग्राफिक मेरिडियन तो हमेशा ही यहां से पास करेगा। तो दो मेरिडियंस के बीच में एंगल कितना है? 15 डिग्री। इसलिए इसका नाम क्या है? डेक्लिनेशन। अब सुई कहां घूमेगी? 30 डिग्री पे, जो इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, तो मेरिडियन यानी कि डेक्लिनेशन का एंगल है, राइट? तो 15 डिग्री की बने सुई यहां पर है, मैग्नेटिक नीडल, वो कह रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, शिप चला रहे हैं, शिप को लेके कहां जाना है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट कहां पर पड़ता है? यहां पड़ता है। नीडल का कह रही है शिप कहां जा रही है? इधर जा रही है, वो तो इधर हेड कर रही है। तो मुड़ना कहां पर है? इधर। तो कितने एंगल मुड़े क्लॉकवाइज? ये कितना है? 15। ये कितना है? 90। तो टोटल 15 और 90 मिला के 105। 105 मुड़ेगी तो वहां पहुंचेंगे आप। डेक्लिनेशन 15 डिग्री है वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एक्सिस ना फिक्स्ड है ज्योग्राफी का, सारे एंगल इसी से बनने हैं। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री। तो मैग्नेटिक नीडल ने ये एंगल बनाया, ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ एंगल 15 डिग्री। तो यानी कि आपके शिप जो है वो कहां जा रही है, वो मैग्नेटिक नीडल बताती है। नीडल क्या कह रही है? शिप यहां जा रही है, आपको कहां जाना है? इधर जाना है। तो कहां मुड़ेंगे? 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 105 डिग्री मुड़ जाएं, पहुंच जाएंगे इसकी तरफ। फिर देखें एक बार, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देखें। शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब पहले वेस्ट की लाइन पकड़ो कहां पर है, वेस्ट कहां पर है? ये रही। वेस्ट से कहां? साउथ। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब साउथ की तरफ जाओ वेस्ट से। तो ये रही नीडल 10 डिग्री। तो ज्योग्राफिक एक्सिस तो फिक्स्ड है ना, तो डेक्लिनेशन हो गया ना इसके साथ 10। तो मैग्नेटिक नीडल यानी कि यहां पर पॉइंट करती है, नहीं वो यहां पहुंचना चाहता है, वो यहां पहुंचना चाहता है। In which direction should he it be steered? Ship be steered if the declination at a place is 18 degree west of north? वो declination है कितना अभी? 18 degree west of north। North कहाँ पर है? ये रहा। West कहाँ पर है? ये रहा। ये क्या है? 18 degree। तो जा वो यहाँ रही है ship, जानी वो यहाँ चाहती है,
तो कितना मुड़े एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टोटल 90, 90 माइनस 18 ये एंगल आएगा, प्लस 10 डिग्री यहां पर आ जाएंगे, तो 90 माइनस 18 प्लस 10 82 डिग्री। तो ये पॉइंट क्लियर सबको, 82 डिग्री कैसे, ठीक है यहां तक ये क्वेश्चन। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर इज गिवन, इक्वेटर के ऊपर पूरा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है सिमेट्री में। टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल एम। एज्यूम डायपोल एट अर्थ, डायपोल एट अर्थ सेंटर, मतलब आप ये मान लो कह रहे अर्थ के सेंटर पे मैग्नेट पड़ा है अर्थ का, इस बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट निकाले। तो सोचिए अगर ये मैग्नेट सेंटर में पड़ा हुआ है और इक्वेटर, आप अर्थ के अंदर तो रहते नहीं, इक्वेटर सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो आर डिस्टेंस दूर रहेंगे रेडियस जितना, तो ये पॉइंट इस मैग्नेट के लिए क्या करेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना, इक्वेटोरियल। तो आप इक्वेटोरियल का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। अब आपको यहां पर बी की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाएं, रेडियस आपको पता है, तो सीधा कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। सर ये कैसे पता लगा कि इक्वेटोरियल है फिर एक्स, फिर से एक बार, फिर से सर ये कैसे पता चला कि इक्वेटोरियल है या फिर एक्सियल है। देखो ये एक मैग्नेट है ना, तो ये अगर एक मैग्नेट है कुछ ऐसे, ये देखो बार मैग्नेट, ये वाला पॉइंट है ना इक्वेटर, इक्वेटर इक्वेटोरियल हो गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ, यस सर, हम ऐसे पढ़ते हैं, है ना, अगर ऐसे होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इक्वेटर के ऊपर कोई भी बार मैग्नेट का पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट ही होगा, ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर के फर्स्ट वीक में पहले बता दूं, आपका एक ग्रैंड टेस्ट होने वाला है वॉल्यूम 1 का। स्कूल के एग्जाम से पहले आपको टेस्ट देके जाना है यहाँ पे एक पूरा, ठीक है, बड़े वाला 2.5 घंटे वाला, 3 घंटे वाला, हाँ स्कूल पैटर्न पे होगा, और कंपटीशन का कंपटीशन पैटर्न पे भी होगा फेज 1 का। अब इकट्ठे कर रहे हो, इकट्ठी करो ना दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, 1-1 वॉल्यूम 1 का पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर, नीट में भरा पड़ा है ऐसे इस यही क्वेश्चन बार बार। कैसे? Delta 1, Delta 2 एंगल ऑफ डिप है इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये वर्टिकल प्लेन अपरेंट एंगल ऑफ डिप है, तो दो मेरिडियंस हैं, अपरेंट मेरिडियंस हैं, और एक में नीडल को रखा तो Delta 1 एंगल बनाती है, दूसरे में रखा Delta 2 बनाती है, और दोनों प्लेन्स आपस में 90 डिग्री पे हैं। अब वो कह रहा है कि एंड डेल्टा इज ट्रू एंगल ऑफ डिप। अब ट्रू एंगल ऑफ डिप इनमें तो बनने से रहा, ट्रू एंगल ऑफ डिप तो ट्रू मेरिडियन में बनेगा, ट्रू मेरिडियन मान लो इनके कहीं बीच में है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वन प्लेन, तो दूसरे के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो प्लेन्स जो अपरेंट है आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अब रूल नंबर 1, ये जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है, और इसके साथ इसने अगर एंगल थीटा बनाया, तो हॉरिजॉन्टल का एक कंपोनेंट यहां जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, BH cos थीटा, तो इसकी वैल्यू इधर भी जाएगी, BH cos 90 माइनस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो टैन डेल्टा का फॉर्मूला तो ट्रू एंगल ऑफ डिप में, ट्रू मेरिडियन में पता ही आपको, भी तो सेम है। तो केस नंबर वन में टैन डेल्टा वन, तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन सेम, और कंपोनेंट क्या है, BH cos थीटा, और क्योंकि हमने कॉट में काम करना है तो रेसिप्रोकल लिया टैन का, तो कॉट आ गया, इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरे केस में टैन डेल्टा टू इज वर्टिकल कंपोनेंट सेम है हॉरिजॉन्टल में, BH cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, कॉट में काम करना है रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट डेल्टा थीटा टू आ जाएगा। इन इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एडिंग कर दें, क्योंकि हमें स्क्वेयर में काम करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, इसमें से ये कॉमन आएगा। इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रू एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, टैन ऑफ डेल्टा नहीं उल्टा, 1/tan delta, क्योंकि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल टैन डेल्टा है, तो इसकी जगह 1/tan delta, 1/tan delta स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो ये तो फॉर्मूला ही नोट कर लो भाई, अपने फॉर्मूला बुकलेट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको दो मेरिडियन 90 डिग्री पे गिवन है और एक में एंगल डिप डेल्टा वन है, एक में डेल्टा टू है, ट्रू डेल्टा है, तो ये रिलेशन आप याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर सीधा फॉर्मूले के ऊपर ही बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो,
नीट और मेन में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. डिप सर्कल शोज एन अपेरेंट डिप 60 डिग्री डेल्टा 1, जहां ट्रू एंगल ऑफ डिप डेल्टा 45. डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है? डिप सर्कल ना एक मशीन है जो डेल्टा मेजर करती है. तो मैंने, मेरे को किसने कहा सर ये प्लेन है इसका डेल्टा मेजर कर दो, मैंने डिप सर्कल ली, नीडल होती है उसमें कुछ नहीं होता, नीडल है, नीडल रखी इधर आ गई तो एंगल कितना आ गया उसमें 60 डिग्री आ गया. फिर किसी ने एक काम करो सर एक और प्लेन है, मैंने कहां पर है, कहता 90 डिग्री दूर है, तो डिप सर्कल को 90 डिग्री घुमाना, अब यहां पर मेजर करो तो वहां एंगल ऑफ डिप कुछ और है. तो यानी कि दो प्लेन्स आपस में कितने एंगल पर है 90. एक बार यहां डिप सर्कल घुमाया, नीडल यहां घुमाई और एक बार 90 डिग्री दूर घुमाई. तो समझ आ रहा है यहां तक? तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि डेल्टा 1 पता है, डेल्टा पता है, डेल्टा 2 निकालना है, फॉर्मूला आपको आता है आंसर ठीक. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं.